हे पोकेमोन फैंस, वेलकम बैक। बचपन से हमको लगता था कि पोकेमोन की दुनिया असली है, यहाँ पे रियल चाइल्ड होगा, मैं उसको कैच करूंगा और मैं उसके ऊपर उड़कर पूरी दुनिया घूमूंगा। पर बाद में मुझे पता चला कि ऐसा वैसा कुछ नहीं होता। भाई साहब, मैंने तो पोकेमोन ट्रेनर बनने के सपने भी देख लिए थे। पर टेंशन ना लो यार, आज मैं आपको बताने वाला हूँ पोकेमोन की बिगेस्ट मिस्ट्रीज के बारे में, और वो भी ऐसी वैसी मिस्ट्रीज नहीं, टोटल 40 बिगेस्ट पोकेमोन की मिस्ट्रीज जो कि अनसोल्ड है, कभी भी सोल्व नहीं हुई है। तो भाई साहब, काफी मजा आने वाला है। तड़कती बड़कती अनोखी दुनिया में आप सभी का स्वागत है, जहां पे पोकेमोन की मिस्ट्रीज पे पर्दाफाश करने वाले हैं। तो पोकेमोन कंपनी वालों, आ जाओ यार, मिस्ट्रीज को सोल्व करते हैं। बट उससे पहले लाइक कर दो वीडियो को, अपने भाई के लिए आप इतना सा नहीं कर सकते। 40 बिगेस्ट मिस्ट्रीज को फाइंड की है, कोई बच्चों का खेल नहीं है। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, कर दो सब्सक्राइब यार। नहीं कर रहे यार, कैसे बंदे हो यार, भाई के लिए सब्सक्राइब नहीं करोगे? कर दो यार, कर दिया, थैंक यू यार। तो चलिए वीडियो के और बढ़ते हैं। नंबर 40 पर आता है पोकेबॉल। आखिर पोकेबॉल में ऐसा क्या है कि इतने बड़े बड़े पोकेमोन ओनिस हो गया, गैराडोस हो गया, पोकेबॉल के अंदर चले जाते हैं? और आखिर पोकेबॉल के अंदर ऐसा क्या है कि पोकेमोन यार ट्रेनर्स की बात मानने लग जाते हैं? अभी तक मुझे ये बात समझ में नहीं आई, आखिर पोकेबॉल के अंदर उनको खाना कैसे मिलता होगा? भाई साहब, सब मेरे दिमाग से बाहर है, इतनी मेहनत तो मैंने मेरे एग्जाम में भी नहीं की जितना मुझे यहाँ पे करना पड़ रहा है। और ये नंबर 40 पर आता है। नंबर 39 पर आता है लुगिया पोकेमोन। हमने पोकेमोन के जोटो जर्नीस के एपिसोड में देखा था कि भाई साहब यार, हमने लुगिया का बेटा देखा था, सन देखा था, बट ये कैसे हो सकता है? लुगिया तो जेंडरलेस है ना। भाई साहब, दिमाग घूम गया मेरा उसी टाइम। एंड नंबर 38 पर आता है, आखिर क्रिस्टल ओनिस का क्या रहस्य है? क्रिस्टल ओनिस जो पोकेमोन है, उसकी पोकेडेक्स में कोई भी एंट्री नहीं है। आखिरकार ये पोकेमोन कैसे मौजूद है, पोकेमोन की दुनिया में कैसे आया, किसी को पता नहीं। और ये नंबर 38 पर आता है। नंबर 37, गैरी के 10 बेजेस कहां से आए? भाई साहब, बता रहा हूं, गैरी ने ये बेजेस को चोर बाजार से खरीदा है। भाई साहब, बता रहा हूं, गैरी ने इस बेजेस को चोर बाजार से खरीदा है, मेरे सामने खरीदा है। क्या मतलब कि मैं भी 10 बेजेस को लेने गया था? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। नंबर 36 पर आता है, पोकेमोन को क्या इंसान खाते हैं? एक एपिसोड में हमने देखा था कि एस ब्रोक, इनको काफी भूख लग रही थी और उनके सामने मेजिकॉप आ गया था। इनके मन में ख्याली पुलाव फूटने लग गए थे कि मैं मेजिकॉप को खाऊंगा। बता रहा हूँ, इसके चम और ब्रोक, तुम दोनों ने अगर मेजिकॉप को खा लिया ना, तुम्हारी हालत खराब कर दूंगा। मेजिकॉप सिर्फ और सिर्फ मेरा है, तुम उसके साथ कुछ भी नहीं कर सकते। बता रहा हूँ मैं, इसके चम दूर रहना मेजिकॉप से। एंड यार, ये भी काफी बड़ी मिस्ट्री है कि क्या इंसान पोकेमोन को खा सकते हैं या फिर नहीं खा सकते। नंबर 35, आखिर यार वो गोस्ट गर्ल कौन थी जिसको हमने सिनो रीजन में देखा था? अभी तक भी यार ये मिस्ट्री को सोल्व नहीं किया गया है। पोकेमोन कंपनी वाले क्या कर रहे हो यार, मैं बिल्कुल भी नहीं डरता गोस्ट वोस्ट से, मेरे सामने लेके आता उस गोस्ट गर्ल को, उसकी हालत खराब कर दूंगा। अरे पीछे कौन है? अरे स्पार्की यार, पता करके आया कर, कौन है आगे? वीडियो बना रहा हूँ, मैं डर गया यार। हाँ, मैं क्या बोल रहा था कि मैं गोश्त से बिल्कुल नहीं डरता, ये बात सही है, मैं बता रहा हूँ। एंड नंबर 34 पे जो मिस्ट्री आती है वो ये है कि टोबायस ने लेजेंडरीज को कैसे कैच कर लिया? भाई साहब यार, दिमाग घूम जाता है, यहाँ पे एक लेजेंडरी को कैच करने में यार हालत खराब हो जाती है, और टोबायस ने लेजेंडरीज को कैच कर लिया, वो भी एक नहीं दो नहीं सारे के सारे लेजेंडरी पोकेमोन ने। भाई साहब, बता रहा हूँ, टोबायस चीटर है, चीटर, सबसे बड़ा चीटर है ये बंदा, मैं बता रहा हूँ, निकल जा मेरी नजरों से। फिर दोस्तों, अगली जो मिस्ट्री है नंबर 33 पर आती है, वो ये है, आखिरकार 6 पोकेमोन को ही कैरी क्यों किया जाता है पोकेमोन वर्ल्ड में? 7 पोकेमोन को भी तो कैरी किया जा सकता था, बट ना, 6 पोकेबॉल को ही कैरी करना है। अभी तक भी ये पोकेमोन की मिस्ट्री है जो कि सोल्व नहीं हुई है। नंबर 32 पर आता है, आखिरकार जायंट ड्रैगनाइट का क्या रहस्य है? जायंट पोकेमोन बड़े होते हैं मानता हूँ, बट ड्रैगनाइट तो काफी बड़ा था। कुछ लोग बोलेंगे, अरे भाई वो डायनामिक्स था। अरे भाई साहब, डायनामिक्स तो अभी गलार रीजन में आया, केंटो रीजन में तो उनका वो लास्ट एपिसोड होने वाला था, यानी कि केंटो के तो पोकेमोन को वो बंद करने वाले थे, तो उसका क्या रहस्य है किसी को नहीं पता। नंबर 31, आखिरकार क्यूबोन किसका स्कल पहनता है? बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वो उसकी मॉम का स्कल पहनता है, जब उसकी मॉम मेरोवेक मर जाती है तो वो स्कल पहन के आ जाता है। बट पोकेमोन के ओरिजिन के एक एपिसोड में हमने देखा था कि क्यूबोन ने यार उसकी मॉम के साथ ट्रैवल कर रहा था। भाई साहब, कैसे हो सकता है ये? क्या है यार, क्या रहस्य है? बहुत कंफ्यूज आ गया हूँ, भगवान मुझे बता दो इसका आंसर क्या है। नहीं बताओगे? कोई बात नहीं, रहने
रहने दो आरसीएस, तुमको देख लूंगा मैं। भाई साहब नंबर 30 पे जो पोकेमोन की मिस्ट्री आती है ना, मेरा दिमाग घुमा दिया, और वो है एस के पिकाचू की मिस्ट्री। भाई साहब पिकाचू की क्या प्रॉब्लम है मुझे नहीं पता, भाई साहब कभी काफी पावरफुल हो जाता है, कभी काफी वीक हो जाता है। भाई साहब पिकाचू ठीक तो हो ना, इलाज विलाज कराओ अपना, मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूँ, जाओ नर्स के पास अपना इलाज करा के आओ। यानी कि यार कैंटो में काफी पावरफुल होगा, जोटो में वीक हो जाएगा, जोटो में पावरफुल होगा, होगी में वीक हो जाएगा। भाई साहब अलग ही बंदा है ये पोकेमोन नहीं, ये है कंफ्यूजन, बता रहा हूँ मैं। एंड फिर दोस्तों हमारी वीडियो में नंबर 29 पे जो पोकेमोन मिस्ट्री आती है वो ये है, आखिरकार पोकेमोन का नाम कौन रखता है मुझे बता दो यार, कोई ना कोई बंदा तो होगा ना जो नाम सोचता होगा। तुम्हारी मर्जी आए जो, तो आप करोगे नहीं, पिकाचू को पिकाचू ही बोलोगे, चाइजार तो नहीं बोलोगे। आखिर कौन है जिन्होंने पोकेमोन का नाम रखा, अभी तक उनको इंट्रोड्यूस क्यों नहीं कराया गया, मैं दिमाग घुमा दिया है इन्होंने। एंड नंबर 28 पे आता है ऑफिसर जेनी एंड नर्स जोई की मिस्ट्री। आखिरकार इनमें ऐसा क्या है कि सारी नर्स जोई ऑफिसर जेनी सेम है, मैं बता रहा हूँ कुछ ना कुछ तो लोचा है। अगर मान लो एक रीजन की नर्स जोई सेम हो सकती है, हर एक रीजन की नर्स जोई कैसे सेम हो सकती है? भाई साहब यार दिमाग घुमा दिया इस थ्योरी ने, पोकेमोन कंपनी वालों इसका आंसर बता दो यार, मेरे फैंस जानना चाहते हैं। फिर दोस्तों नंबर 27 पे जो मिस्ट्री आती है वो ये है कि जेसी एक बार पोकेबॉल में जाने वाली थी। भाई साहब यार ऐसा कैसे हो सकता है, पोकेबॉल तो यार पोकेमोन को कैच करने के लिए बनाया गया है, तो जेसी पोकेबॉल के अंदर कैसे जाने वाली थी यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा। भाई साहब मेरा दिमाग घूम गया है, क्या इंसानों को पोकेबॉल में कैच किया जा सकता है? अगर ऐसा है तो पोकेमोन कंपनी वालों मेरी तुमसे एक रिक्वेस्ट है, अभी के अभी जाओ एस को पोकेबॉल दो इंसानों वाली और गो को कैच कर लो। भाई साहब दिमाग खराब कर दिया गो ने, बता रहा हूँ मैं। एंड फिर दोस्तों नंबर 26 पे जो मिस्ट्री आती है और वो ये है कि भाई एस इतना सुपर पावरफुल कैसे हो सकता है, कभी वो चाहे तो यार इतने 100 kg पोकेमोन को उठा लेगा, और भाई साहब कॉस्मोक पोकेमोन जो कि 999 kg पोकेमोन है उसको कैसे उठा सकता है? भाई साहब दिमाग घुमा दिया है एस केचम, मैं बता रहा हूँ ये एस केचम है ही नहीं, ये इंसान नहीं है, एलियन है, मैं बता रहा हूँ अभी के अभी, आप मेरी बात को नोटिस कर लो। फिर दोस्तों हमारी वीडियो में अगला जो मिस्ट्री आती है ना वो तो आपका दिमाग घुमा देगी, और वो ये है कि भाई साहब यार पोकेमोन की लैंग्वेज क्या है, क्या इंसान पोकेमोन की भाषा समझ सकते हैं? बिकॉज बहुत सारे एपिसोड में हमको ऐसा दिखाया गया है कि हम पोकेमोन की भाषा को समझ सकते हैं, लेकिन बहुत सारे एपिसोड में हमको ऐसा दिखाया गया है कि इंसानों के कुछ पल्ले नहीं पड़ता पोकेमोन की भाषा। फिर दोस्तों हमारी वीडियो में नंबर 23 पर आता है, आखिरकार क्या डी इवोल्यूशन पॉसिबल है पोकेमोन वर्ल्ड में या फिर नहीं, यानी कि पोकेमोन क्या इवोल्व होकर वापस डिवोल्व हो सकते हैं या फिर नहीं, ये पोकेमोन की मिस्ट्री है जो कि अभी भी एक रहस्य बना हुआ बैठा है। एंड नंबर 22 पर आता है पोकेमोन जो है, ये पोकेमोन इसका मैं नाम बिल्कुल भी नहीं लूंगा, काफी हार्ड नाम है इसका लेना, ये जो पोकेमोन है ये दिन भर हर साल पूरी जिंदगी स्लीप में गुजार देता है, तो भाई साहब ये बैटल कैसे करता है, खाना कैसे खाता है, अभी तक भी किसी को नहीं पता चला। भाई साहब क्या रहस्य है, स्नोरलैक्स से पंगा लोगे क्या? भाई साहब बता रहा हूँ स्नोरलैक्स से तुम पंगा लेने मत। फिर दोस्तों हमारी वीडियो में नंबर 21 पे आता है साइडक की पावर, आखिरकार साइडक की क्या पावर है? साइडक का सब सर में हेडेक होता है, अब उसकी पावर 100 गुना ज्यादा कैसे हो जाती है मुझे अभी के भी बताई दो यार। भाई साहब नंबर 20 पे आता है जिम लीडर, आखिरकार जिम लीडर कैसे बना जाता है, क्या क्वालिफिकेशन है? हमने बहुत सारे एपिसोड में ऐसा देखा है कि भाई साहब यार जिम लीडर्स जो होते हैं छोटे छोटे बच्चे होते हैं, ये कहाँ का सेंस है यार, ये तो बिल्कुल मिस्ट्री बनी हुई बेटी है, आखिरकार जिम लीडर कैसे बनते हैं? लोग मिस्ट्री यहाँ पे आओ, तुम कैसे बने जिम लीडर यार बता दो यार, मेरा दिमाग घूम गया है बता रहा हूँ मैं। एंड फिर दोस्तों नंबर 19 पे जो पोकेमोन मिस्ट्री आती है वो ये है, आखिरकार यार घोस्ट पोकेमोन भी मरते हैं या फिर नहीं? बिकॉज वो घोस्ट है भाई साहब, वो भूत है भूत, और भूत कभी मरते नहीं, आखिर घोस्ट पोकेमोन मरेंगे या फिर नहीं मरेंगे ये किसी को नहीं पता। और ये जो मिस्ट्री है नंबर 19 पे आती है, नंबर 18 आखिरकार पहला पोकेमोन कौन है, क्या वो राइडोन है, आरसीएस है, म्यू है, बल्बासोर है, आखिरकार कौन है पहला पोकेमोन मुझे बता दो यार प्लीज, पोकेमोन कंपनी वालों इतनी मिस्ट्री बनाई बैठे हो कि मेरा दिमाग घुमा दिया तुमने। एंड फिर दोस्तों हमारी वीडियो में नंबर 17 पे जो मिस्ट्री आती है ना वो ये है, आखिरकार केंटो के बाकी के ट्रेनर्स कहां गए, कौन है बाकी के ट्रेनर्स? यार मैं बता रहा हूं गेरी और एस के अलावा बाकी के जो ट्रेनर मेरे सामने आ गए ना उनकी हालत खराब कर दूंगा, इन्होंने मुझे काफी परेशान किया है। भाई साहब इनके ऊपर रिसर्च करते करते मेरा पूरा दिन ही खराब हो गया। फिर दोस्तों हमारी वीडियो में अगली जो मिस्ट्री आती है नंबर 16 पर वो है मिमिक्यू, आखिरकार मिमिक्यू के अंदर ऐसा क्या है जो कि वो फेस रिवील नहीं कर रहा, आखिर उसके अंदर कैसा पोकेमोन है?
अरे भाई साहब, अब मुझे पता चल गया कि मिमिकू के अंदर कौन है। मिमिकू के अंदर हूँ मैं, यस मैं हूँ। इसलिए तो मैं भी फेस रिवील नहीं करता और मिमिकू भी फेस रिवील नहीं करता, समझ रहे हो ना। फिर दोस्तों, हमारी वीडियो में नंबर 15 पे जो पोकेमोन मिस्ट्री आती है वो ये है, आखिरकार आर्सेस की रियल पावर क्या है, आर्सेस इतना पावरफुल है या फिर नहीं। आर्सेस की एक पावर दिखाने के लिए आप एक मूवी में उसको फिनिश कर दिया। भाई साहब, आर्सेस के ऊपर एक और मूवी बननी चाहिए, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने आर्सेस को एक बार दिखाया और बाद में गायब भी कर दिया। भाई साहब, करना क्या चाहते हो, मुझे बता दो अभी के भी। फिर दोस्तों, नंबर 14 पे जो मिस्ट्री आती है वो है RK9 की मिस्ट्री। भाई साहब, RK9 में ऐसा क्या है, क्या वो लेजेंडरी है या फिर नहीं, अभी भी ये एक मिस्ट्री बनी हुई बैठी है। भाई साहब, RK9 यार क्या कर रहे हो यार, मुझे नहीं बताओगे तुम्हारा क्या रहस्य है। फिर दोस्तों, हमारे वीडियो में नंबर 13 पे जो मिस्ट्री आती है ना वो है GS बॉल की मिस्ट्री। आखिरकार GS बॉल के साथ क्या हुआ, आसमान निकल गया या फिर जमीन में चला गया, कहां गया GS बॉल। मैं बता रहा हूं, GS बॉल ने मेरी पूरी लाइफ खराब कर दी है, पूरी जिंदगी में GS बॉल करता रह गया और इसका रहस्य अभी तक सोल्व नहीं हुआ। एंड फिर दोस्तों, हमारे वीडियो में नंबर 12 पे जो मिस्ट्री आती है वो ये है, हो एंटो के भी पोकेमोन, दोनों जोटो रीजन के पोकेमोन है, तो केंटो रीजन में कैसे आ गए, कहां से आ गए, क्यों आ गए, बताओ यार। ये एक मिस्ट्री है जो कि मिस्ट्री बन के ही रह गई। फिर दोस्तों, हमारी वीडियो में नंबर 11 पे जो मिस्ट्री आती है वो ये है कि पोकेमोन ट्रेनर्स यार पैसा कैसे बनाते हैं, पैसा कैसे कमाते हैं, मुझे बताओ यार, मुझे अभी तक ये पता नहीं चल रहा है। भाई साहब, पूरा दिमाग खराब कर दिया इन्होंने। भाई साहब यार, यहाँ यूट्यूब मुझे पैसा नहीं देता और ये ट्रेनर्स यार बिना पैसों के पोकेमोन जर्नी ट्रैवल करते हैं, पोकेमोन सेंटर में जाते हैं। आगे यार ये कैसे पॉसिबल हुआ, मुझे नहीं पता चल रहा, मैं बता रहा हूँ। एंड नंबर 10 पर जो मिस्ट्री आती है वो ये है, आखिरकार भाई साहब रियल एनिमल भी पोकेमोन वर्ल्ड में मौजूद है या फिर नहीं, आखिरकार क्या रहस्य है। बिकॉज हमने पोकेमोन वर्ल्ड में देखा है, क्या यार रियल पोकेमोन एनिमल्स जो होते हैं पोकेमोन वर्ल्ड में मौजूद है, बट ये कैसे पॉसिबल है। बिकॉज पोकेमोन वर्ल्ड के एनिमल को हम पोकेमोन बोलते हैं, भाई साहब दिमाग खराब कर दिया इस थ्योरी ने। एंड फिर दोस्तों, नंबर 9 पे जो पोकेमोन की मिस्ट्री आती है वो ये है कि एस एक मेन हीरो है, मेन कैरेक्टर है, बट उसको कोई भी मेगा एवोल्यूशन क्यों नहीं मिला अभी तक, आखिरकार क्यों नहीं मिला, मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, किसी को नहीं पता। एंड फिर दोस्तों, हमारी वीडियो में नंबर 8 पे जो रहस्य आता है वो ये है, आखिरकार पोकेमोन एनिमे सीरीज में हमने व्हाइट स्नोलेक्स को देखा था, बट ये कैसे पॉसिबल है, एक स्नोलेक्स तो भाई साहब ग्रे एंड ब्लैक कलर का होता है, तो व्हाइट कलर का कैसे हो सकता है। भाई साहब, पोकेमोन कंपनी वालों यार, मैं अब से ऐसा वीडियो कभी नहीं बनाऊंगा, मैं हेडेक होने लगा है इतनी सारी मिस्ट्रीज को सोल्व करते करते। एंड फिर दोस्तों, अगली जो मिस्ट्री आने वाली है वो ये है, आखिरकार लेजेंडरी पोकेमोन का टाइप जो होता है ना वो साइकिक टाइप और ड्रैगन टाइप ही क्यों होता है, अलग टाइप भी तो रख सकते हैं, बट यार ज्यादातर लेजेंडरी पोकेमोन का टाइपिंग साइकिक एंड ड्रैगन टाइप ही होता है, मुझे बताओ यार क्या प्रॉब्लम है तुमको, बाकी टाइप भी लेजेंडरी को इंट्रोड्यूस कराओ यार, मजा आएगा। फिर दोस्तों, हमारी वीडियो में अगला जो क्वेश्चन आता है वो ये है, नंबर 6 पे जो मिस्ट्री है वो ये है, आखिरकार पोकेमोन ट्रेनर्स जो होते हैं पोकेबॉल को कैसे पहचानते हैं, मुझे बताओ यार क्या टेक्निक है पोकेबॉल को पहचानने का, ताकि मैं जब एग्जाम में जाऊं, मेरे यार चीटिंग के लिए मैंने जो चीट बनाई है ना उसको मैं आराम से पहचान लूं। क्या मतलब कि मैं एग्जाम में चीटिंग करता हूं? नहीं यार, मैं चीटिंग नहीं करता, मैं तो आपको ओनली वन एग्जाम्पल दे रहा था, चीटिंग नहीं करनी चाहिए, मैं बता रहा हूं। फिर दोस्तों, हमारी वीडियो में नंबर 5 पे जो पोकेमोन की मिस्ट्री आती है वो ये है, आखिरकार पोकेमोन वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन कौन है, क्या आर्सेस है, म्यूटू है, रेक्वाजा है, कौन है सबसे पावरफुल पोकेमोन। पोकेमोन कंपनी वाले कभी बोलते हैं कि आर्सेस सबसे पावरफुल है और कभी बोलते हैं म्यूटू सबसे पावरफुल है। अरे यार, पहले तुम डिसाइड कर लो कि कौन सा पोकेमोन सबसे पावरफुल है, हमको यार परेशान करके रख दिया है, हम भी परेशान हो गए, तुम भी परेशान हो गए, तुम ही बता दो यार कौन पावरफुल है। भाई साहब यार, हालत खराब हो गई वीडियो बनाते वक्त। भाई साहब, नंबर 4 पे जो यार पोकेमोन की मिस्ट्री आती है वो ये है, भाई साहब एस केचम की एज क्या है, भाई साहब इसकी एज ही नहीं बढ़ती, क्या मिस्ट्री है यार। और ये जो मिस्ट्री है नंबर 4 पे आती है, नंबर 3 की जो मिस्ट्री है वो ये है, आखिरकार पोकेमोन की रियल फर्स्ट मूवी क्या होने वाली थी। अगर आपको पता नहीं है तो मैं आपको बता दूं, पोकेमोन की पहली मूवी जो हमने देखी थी म्यूटू का बदला, वो बिल्कुल गलत थी। पोकेमोन की पहली मूवी बिल्कुल अलग होने वाली थी, इसमें मिस्ट्री बड़ी हो जाती और उसकी एक बेटी भी होती। भाई साहब कितनी गजब की स्टोरी होती, अच्छा वो मूवी नहीं आई बिकॉज वहीं पोकेमोन एंड हो जाता, पोकेमोन मूवी में एस की जर्नी को खत्म करने वाले थे। अच्छा वो पोकेमोन कंपनी वालों को मैंने फोन कर दिया था और बोला था पोकेमोन कंपनी वालों यार पोकेमोन को और आगे बढ़ाओ, अलग अलग रीजन बनाओ, ताकि मैं वीडियो बना सकूं और तुमको पॉपुलर कर सकूं, समझ रहे हो ना यार।
एंड फिर गाइस नंबर टू पे जो पोकेमोन की मिस्ट्री आती है वो ये है, भाई साहब ये पोकेमोन मास्टर कैसे बनते हैं, कैसे बनते हैं पोकेमोन मास्टर किसी को नहीं पता, और ये भी एक मिस्ट्री थी और बन के रह गई। एंड फिर गाइस नंबर वन पे जो पोकेमोन की मिस्ट्री आती है वो ये है, आखिरकार भाई साहब यार क्या रहस्य है एस के फादर का, एस के फादर कौन है, क्या है, कहाँ है, अभी वो कहाँ है और कब वापस आएंगे, कुछ भी किसी को भी नहीं पता। सबसे बड़ी पोकेमोन की मिस्ट्री है, पोकेमोन वालों जल्दी से इसको सोल्व कर लो, मैं बता रहा हूँ ताकि मैं इसके ऊपर वीडियो बना सकूँ। सो दोस्तों ये आपको वीडियो कैसी लगी, काफ़ी मेहनत लगी है, लाइक भी कर देना, और ये पूरी 40 बिगेस्ट मिस्ट्रीज है, और ये पूरी वीडियो में मैंने जो भी बोला है सिर्फ और सिर्फ मजाक है यार, किसी को भी सीरियस मत लेना, और पोकेमोन का आंसर दो। मिलता आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।